कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 83 से 95 सीट, जेडीएस को 21 से 29 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया टुडे एक्सिस पाई इंडिया के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को भारी बढ़त है। कर्नाटक में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं राज्य के सत्ता में काबिज बीजेपी 62 से 80 सीट और जेडीएस के खाते में सिर्फ 20 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाते दिख रही हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और उसे 103 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 79 से 94 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं।